चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी, इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का जो आता है आपके पार्ट ए में। पार्ट ए में क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा है या तो आपको डी फाइंड करना है या कोई टर्म पूछ ले, 11 टर्म, 12वां टर्म, 13 टर्म, 20 टर्म, कोई भी टर्म पूछ सकते हैं या डी पूछते हैं, दोनों में से कोई एक पूछते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिफ्थ में से एक क्वेश्चन आता है, या तो पूछेंगे आपसे डी या कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं पूछते। तो आपको क्या करना, हर बार ए और डी फाइंड करने, केवल ए और डी फाइंड करने और फॉर्मूले में आपको जमाना है, बिल्कुल ईजी है। केवल एक नंबर क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसमें केवल जो पार्ट ए है उसमें केवल एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में हर बार आता है, या तो इसमें कोई जो टर्म याद करना है या इसमें डी याद करना है। अब दोनों कैसे याद करेंगे, सबसे पहले दे रखा है ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 9 - 5n, इसमें हमें फाइंड करना है डी। अब डी का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरे पद में से पहला पद अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके डी आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, देखो मुझे सबसे पहले वन याद कर लो, अगर मैंने यहां वन रखा तो मैं यहां भी क्या रखूंगा वन, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 9 - 5 = 5 इक्वल टू कितना हो गया आपके 4, ये वाला आ गया आपके। अगर मैंने यहां वन रखा यहां भी वन रख दो, 5 * 5 9 - 5 कितना बच गया आपके 4। वैसे आंसर याद दिया हुआ है डी इक्वल टू 5 माइनस का 5, फिर भी हम याद कर लेते हैं। फिर है आपके ए 2, मतलब मैंने यहां 2 रखा तो यहां भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 9 - 5 × अब यहां n का वैल्यू मैंने 2 रखा तो यहां भी 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके 9 - 5 × 2 = 10, तो बताओ कितना आया, माइनस का 1 है। अब सेकंड टर्म तो आया है आपके माइनस का 1, ये रहा सेकंड टर्म माइनस 1, और फर्स्ट टर्म कितना है 4, सेकंड टर्म में से हम माइनस कर देंगे प्लस के 4, ये हो गया आपके माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 4, तो डिफरेंस आया है आपके माइनस का 5 जो यहां पर आपके दे रखा है माइनस का 5। अब आपके ये देखो सेकंड क्वेश्चन, आपके एपी दे रखी है 2, 7, 12, ऐसे वो एपी है। इस एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 = कितना हो गया आपके 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए भी आ गया डी भी आ गया, अब हमें फाइंड करना है ए 11। ए 11 का मतलब क्या होता है, यहां 11 है तो यहां लिखेंगे ए प्लस, कितने यहां 11 तो यहां एक कम आएगा मतलब 10d, क्योंकि एक यहां तो आ गया है तो यहां तो पीछे बचेगा 10d, मतलब इसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक डी, तो जो यहां लिख रहे हैं उससे क्या करना है एक कम यहां पर लिखना है, अगर यहां 11 है तो यहां आएगा 11 - 1 = 10d, अगर यहां 99 है तो 98d, अगर यहां 100 है तो ए प्लस 99d, जितने हैं उससे यहां एक कम लिखना है। अब आगे देखो, ए का वैल्यू 2 प्लस 10 का 10 और डी का वैल्यू कितना है 5, तो 2 प्लस कितना हो गया आपके 50, तो ये हो गया आपके 52 ऐसे। अब है आपके थर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, थर्ड क्वेश्चन ये रहा 4, 1, -2 और -5, हमें अगले दो पद ज्ञात करें, अगले दो पद कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमें पांचवा पद और छठा पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए, इसी तरह ज्ञात करेंगे ए कितना है 4, और डी कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दे रखा है 1 माइनस फर्स्ट टर्म दे रखा है 4,
ये कितना हो गया आपके माइनस का 3, दोनों आ गए हमारे पास, a का वैल्यू भी आ गया, d का वैल्यू भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसी तरह ही फाइंड करेंगे, हमें फिफ्थ और सिक्स्थ ज्ञात करना है, a फिफ्थ ज्ञात करना है। a फाइव का मतलब क्या होता है, a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 4 का 4 और d का वैल्यू कितना है माइनस 3, तो क्या आएगा देखो 4 का 4 4 3 जा 12 है प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गए माइनस 8। अब हमें फाइंड करना है छठा पद, तो a प्लस 5d जितना है उससे एक कम, a कितना है 4 प्लस 4 कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिखेंगे और d का वैल्यू कितना है माइनस 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 15 कितना बचा आपके माइनस का 11। अब है आपके फोर्थ क्वेश्चन, ये दे रखा है 7 5 3 1 माइनस 1 माइनस 3, ये भी दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, डी, डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 5 माइनस 7, ये रहा सेकंड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर 2, और किसमें आपके माइनस में, मतलब दो दो कम हो रहे हैं, दो दो माइनस में जा रहे हैं, ये हो गया डी डिफरेंस। अब है आपके फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है माइनस का 17 माइनस का 12 माइनस का 7, ये एक ही दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 17 और डी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस के 12 तो है ही, माइनस माइनस प्लस के 17, तो बताओ 17 में से 12 गए कितना आया आपकी 5 प्लस के, तो प्लस हो रहे तो प्लस होंगे तो माइनस होंगे छोटी हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है a 11, a 11 का मतलब क्या होता है a प्लस 10, a कितना, a है आपके माइनस का 17 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 5, माइनस का 17 तो है ही है और ये कितना हो गया 10 5 जा 50 फिजिकल तो कितना हो जाएगा आपके 33। यस, तो आपसे दो चीजें पूछेंगे इसमें, या तो पूछेंगे ए या डी याद करो, या आपको कोई टर्म पूछ ले ए 11 ए 13 ए 14 ए 16 या ए 7 ए 5 कोई भी पूछ सकते हैं या डी पूछ सकते, ज्यादातर आपको हर क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, डी तो आप पूछेंगे तो सब में डी फाइंड करना, सब में ए तो अगला पद है वो ए लिखा हुआ है, इसमें अंतर निकालेंगे तो डी है, और जो ज्ञात करना है 11 ज्ञात करना है तो 10d, 19 ज्ञात करना है प्लस 18d, 18 पद ज्ञात करना है प्लस 17d, मतलब जो पद ज्ञात करना है वो पद के लिए सूत्र हो जाएगा जितना यहाँ है उससे एक कम, और इसमें से ये केवल एक ही क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन और आता है 3 नंबर का, वो हम जो जब हम 3 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब, अभी ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़के 1 नंबर से फेल हो जाते हैं और 1 नंबर से पास हो जाते हैं, तो आपको इसमें ए और डी याद करने और फिर कोई टर्म पूछे तो टर्म याद करना है।